प्रदेश में क्रिसमस के मौके पर धर्मांतरण की कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां लोगों को ईसाई मिशनरियों ने लोभ देकर उनका धर्मांतरण कराया और जिसका कहीं न कहीं हिंदू संगठनों ने विरोध करते हुए पदारियों को पुलिस के हवाले भी किया है। लेकिन उसी के साथ ही जनपद बुलंदशहर में 20 परिवारों के करीब 50 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की। इस बीच घर वापसी करने वालों का भाजपा की खुर्जा विधायिका ने पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया है। मासी धर्म में जा रहे थे, चर्च जाया करते थे। हाँ। परिवार में कितने लोग? मैं और मेरी बीवी और दो बच्चे। सभी लोग चर्च जाया करते थे? हाँ, सभी जा। तो ईसाई धर्म क्यों अपनाया था आपने? बच्चे को परेशानी हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने बोली प्रार्थना वगैरह हो गई, बच्चे भी ठीक हो गया था। बाद में कोई लोभ लालच देके तो धर्म परिवर्तन नहीं करवाया था? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात। तो अब क्या लगा आपको कि आपने धर्म वापसी की? ऐसे मेरी उनसे ऐसे हो गई, कहना सुनी मेरी माताजी खत्म हो गई थी, वो लोग बोल रहे थे कि हमारे धर्म में कुछ ऐसा करो जैसे खुतान के धर्म में। मेरी माँ की इच्छा यही कि जो हिंदू रिवाज में जैसे हम पहले थे, मेरा अंतिम संस्कार ऐसे ही हो। आज हमने अपने सभी परिवार, जो हमारे परिवार के लोग चले गए थे, दलित समाज के लोग, उसमें सभी कई बिरादरी समाज के लोग हैं, तो उन सबको हमने घर वापसी कराई है। जिसमें अपने कुछ ऐसे भाई बंधु भगिनी जो विभिन्न परिस्थितिवश या भ्रमवश या लोभवश कुछ पीढ़ी पहले, कुछ वर्ष पहले सनातन धर्म को त्याग करके किसी और पूजा पद्धति में सम्मिलित हो गए थे, वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है, इस्लामिक हो सकती है, किसी भी दूसरे धर्म में चले गए थे, लेकिन आज वो पुनः अपने घर में, अपने सनातन संस्कार में, अपने परिवार में, अपने सनातन हिंदू समाज में वापस लौट करके आए हैं। खुशी खुशी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में यहाँ उनका स्वागत का अनुष्ठान किया गया है। 20 परिवारों ने हमारे यहाँ धर्म वापसी की है, जिसमें से 100 से 125 लोग हैं परिवारों को पूरे। पहले कौन से धर्म में ताल्लुक रखते थे? पहले अलग अलग क्रिश्चियन थे, अलग अलग धर्मों में थे, लेकिन अब वो सब सनातनी धर्म को अपना कर बहुत खुशी से आए हैं। बता दें कि धर्म वापसी कार्यक्रम का आयोजन खुर्जा की कालंदी कुंज कॉलोनी में किया गया। इस बीच हिंदू धर्म में पुनः वापसी करके लोग काफी उत्साहित नजर आए। न्यूज वॉच इंडिया के लिए बुलंदशहर से कदीम राजपूत की रिपोर्ट।